सेल गाइस, आई एम तुषार एंड यू आर वॉचिंग DWM। व्यू देख के आपको पता चली गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। सो दिस प्लेस डोंट नो नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, जस्ट एंजॉय द टाइम लैप्स। आई होप गाइस आपको ये टाइम लैप्स बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा आगे बढ़ते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देख के पक्का आपको लग रहा होगा कि मैं मैप्रो में हूँ, मतलब महाबलेश्वर में हूँ। भाई दो मिनट रुक जा, महाबलेश्वर में हूँ लेकिन नहीं, आपका जवाब गलत है। मैं महाबलेश्वर में नहीं हूँ, मैं हूँ लोनावला में, मिनी मैप्रो में। और कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए, वो है ये, जो पहले 100 सब्सक्राइबर है वो इनको जानते हैं। सर सेकंड ऑफिसर, ये इनकी वाइफ है। शिप पे हम लोग बहुत घूमते थे, बहुत वीडियो शूट करते थे। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ पीछे जाके वीडियो चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगी स्टोरी हमारी दोस्ती की। हमारी बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं शिप में, तो मेक श्योर आप पीछे जाके थोड़े वीडियो चेक कर लेना। आज का प्लान बहुत अच्छा है और बहुत कुछ है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये ब्लॉग या वीडियो। फिलहाल के लिए हम लोग पेट पूजा कर लेते हैं, ये बहुत खतरनाक वाला होने वाला है आज का दिन। तो इसके बाद आपसे मिलता हूँ। फूड कोर्ट पे थोड़ा सा फूड खाने के बाद और अभी पेट भरने के बाद यहाँ पे टाइम लैप्स लेता हूँ। आपको भी थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगा फटाफट फटाफट वाला। तो टाइम लैप्स स्टार्ट होता है अभी। लोनावला पे आके अगर आप लायंस पॉइंट नहीं है तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए यहाँ आओ, यहाँ के वाइब्स लो, ग्रीनरी देखो। बारिश के टाइम पे ग्रीनरी देखना, और अभी के टाइम पे बस थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल रहता है सुबह के टाइम पे। अभी बचे है दोपहर का एक, हमको लेट हो गया है। लेट क्यों हुआ है? क्योंकि हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पर चेक इन है हमारा लेट। कहाँ जा रहे हैं वो अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। अभी ये लोग थक चुके हैं और ये खा के इनको ऊर्जा मिलने वाली है। मैन वर्सेस वाइल्ड के छोटे मोटे चाहने वाले हैं ये लोग। तो अभी आप टाइम लैप्स इन्जॉय कीजिए और कुछ 360 डिग्री व्यूज़ है वो भी इन्जॉय कीजिए। अभी अगर आप आओगे लोनावला में लायंस पॉइंट पे तो यहाँ पे आपको कैमल मिलेगा, और वो जो इसको क्या बोलते हैं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, गो कार्टिंग जैसा ही कुछ तो है, तो वो आपको मिलेगा। खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, कैमल तो है, दो तीन कैमल हैं यहाँ पे। गर्मी है यहाँ पे, बट अगर आप मॉर्निंग में आओगे तो उतना नहीं आपको गर्मी लगेगा। क्राउड बहुत ज़्यादा है, आज संडे है। बाकी वो मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी है, तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई एम तुषार एंड यू आर वॉचिंग TWM। मैं फाइनली पहुंच गया हूँ कैंप साइट पे।
ये है हमारा कैंप साइट। बहुत जल्दी आ गया था मैं जस्ट फॉर शूट। मेरा जो टेंट है वो यहाँ लगने वाला है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब मैं सुबह उठूँ तब जब कैंप का वो नॉर्मल डोर ओपन होने के बाद सीधा जो व्यू है वो मुझे ये वाला व्यू मिले। इसलिए मैंने उनको टेंट वहाँ पे लगाने के लिए बोला, क्योंकि यहाँ से जो व्यू मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा और ये आपको भी पता चल जाएगा। कैंप स्टार्ट हो चुका है, टेंट लग चुका है। ये है मेरा टेंट और ये है भैया और दीदी का टेंट और ये हमारा पर्सनल डाइनिंग टेबल है। यहीं पे हम लोग खाएंगे, पिएंगे, मस्ती मजा मारेंगे। फिलहाल सामान यहीं से ही रखा हुआ है, बट बाद में हम लोग करेंगे इसको जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे। तो स्नैक्स चुका है, आपको वापस अपडेट करता हूँ। इवनिंग गाइस, बज रहे हैं शाम के 8:30 और ये हमारा बारबेक्यू चल रहा है। हम लोग ये बारबेक्यू बना रहे हैं, फिर हम खाएंगे मस्त पैकी। और यहाँ पे जो एम्बियंस है वो बहुत सही है, एकदम चिल्ड आउट है अभी इधर। इट्स ऑलमोस्ट 22 डिग्री सेल्सियस एट प्रेजेंट। बहुत ही अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, बहुत सही है जगह, एम्बियंस बहुत अच्छा है। आई नो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं। और वहाँ पे भी एक्चुअली कैंप है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। बट एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, यहाँ सर्विस भी बहुत अच्छी है, आपको सब मिलेगा यहाँ पे। आपको अलग से इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वहाँ पे जो इधर एक बंदा है उसको आपको बताना है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वेज नॉन वेज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर हियर। बज चुके 11, आ चुका है डिनर। तो डिनर में क्या क्या है, वेज नॉन वेज, अगर कोई भी वेज नॉन वेज खाने वाला है तो उसके लिए वेज वाले के लिए वेज अवेलेबल है, नॉन वेज वाले के लिए नॉन वेज अवेलेबल है। तो आपको टेंशन लेने कोई ज़रूरत नहीं है। नॉन वेज में है आपको एग करी, चिकन, मटन, चपाती, राइस एंड स्वीट में ये रहेगा। फिलहाल तो जलेबी है, लेकिन आप रहोगे तो भी पता नहीं, कोई चेंज हो सकता है। और वेज में आपको मिल जाएगा एक सब्ज़ी। तो ये है, हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं डिनर के लिए। गाइस मेडिकल ऑफिसर है अपने पास, लेकिन फर्स्ट एड नहीं है।